सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट झासर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं या फिर राज्यपाल के बारे में जितना फैक्ट जानना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उन सभी फैक्ट्स को इन वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश किया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि राज्यपाल से आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इसीलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। पिछली वीडियो में मैंने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ाया था, उसमें से एक पॉइंट छूट गया था हमसे कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की आज जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 164 के ए के अंतर्गत होती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। बाकी आपको बता दूँ कि पीछे सारे मैंने पॉलिटी के वीडियो दे रखे हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख के उसका फ़ायदा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राज्यपाल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है, वह यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। ऐसा चीज़ें पहले तक थी, पर अब जब आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है तो अब यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य में जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, जैसे देश में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। जी हाँ, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति जो है वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रहता है, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जी हाँ, जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधान होने के बावजूद भी वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है, उसी तरह राज्य में या राज्यपाल जो है वह प्रधान होते हुए भी राज्य की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि मूल संविधान में आर्टिकल 153 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अर्थात राज्यपाल के बारे में जो बात की गई है वह आर्टिकल 153 में और मुख्यमंत्री के बारे में 163 में है। तो यह उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो। और यह कब जोड़ा गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में, नहीं तो यह चीज़ नहीं था, एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता था, पहले ऐसा उल्लेखित था संविधान में। और यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है राज्यपाल के बारे में, तो आर्टिकल 153, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर समझ लें। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह इस तरह से है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, पहला यह, दूसरा वह 35 वर्ष की अवस्था पूरा कर चुका हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम उम्र सीमा राज्यपाल के लिए तो 35 वर्ष, तीसरा किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, कोई भी बेनिफिशियल या फिर जॉब में नहीं हो, चौथा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, जो भी विधानसभा के सदस्य चुने जाने की जो भी योग्यता हो वह पूरी करता हो और उसका जो है उसके लिए फुलफिल करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति और 5 साल के लिए करता है। तो अगर आपको कार्यकाल पूछे तो 5 साल का, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वह पद धारण करता है। अगर 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति की मर्जी है कि वह व्यक्ति जो है वह वहाँ का राज्यपाल और दिन तक रहे तो वह वहाँ का राज्यपाल रह सकता है। यह आर्टिकल 156 के ए के अंतर्गत है, या वह पद त्याग कर सकता है अगर उसका मर्जी रहे कि नहीं रहे तो वह उसको हटा सकता है। ये आर्टिकल 156 के बी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। जी हाँ, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पद है जिसको हटाने के लिए संविधान में जो है वह कोई प्रक्रिया नहीं है, तो राज्यपाल के पद को,
राज्यपाल को सिर्फ हटा सकता है तो सिर्फ जो है वह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के मर्जी से ही राज्यपाल बने रहते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक होता है। जी हाँ, राज्यपाल का जो वेतन होता है वह 1,10,000 रुपये प्रति माह मासिक होता है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। जिस तरह से अगर वो एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल रहता है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसको किस राज्य से कितने के अनुपात में वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। जी हाँ, जिस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे में शपथ लेते हैं, उसी तरह राज्यपाल जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जज होते हैं जो या फिर जो सबसे बड़े जज होते हैं उनकी अनुपस्थिति में उनके सम्मुख पद की शपथ लेते हैं राज्यपाल। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार, जो राज्यपाल के पास जो विशेषाधिकार होता है वह क्या सब होता है, तो देखिए फटाफट जानते हैं। वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। तीसरा पॉइंट, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 महीना पहले सूचना देना पड़ता है। यह चारों जो है उसके विशेषाधिकार हैं। आप अगला जानते हैं हम लोग राज्यपाल की शक्तियाँ तथा उसके कार्य के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो राज्यपाल की क्या सब शक्तियाँ हैं, तो पहला जानते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी क्या सब कार्य और शक्तियाँ हैं उसे जानते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि वह राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, इसलिए जितना भी काम होता है वह उसी के नाम से होता है। दूसरा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। जी हाँ, तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। जी हाँ, आप समझ लीजिए कि राज्यपाल जो है वह आता है क्वेश्चन मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को जो है वो नियुक्त करता है। कौन? तो राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहर्ताओं होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन हटा सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति, या आर्टिकल 317 में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जो है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सॉरी हाई कोर्ट जो होता है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन? तो राज्यपाल, या आर्टिकल 217 के ए में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। बिल्कुल, वह मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करता है राज्य में किस तरह का प्रशासन चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जो केंद्र सरकार का जो एजेंट के रूप में कौन काम करता है यहाँ पे राज्य में? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त किया जाता है। जो कुलाधिपति होता है सभी राज्य में यूनिवर्सिटियों का, वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। और उपकुलपतियों को भी कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल जो है वह विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्य को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह आर्टिकल 171 के ई भाग में है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा वाली जो सूची है उसमें यह सम्मिलित नहीं है, सहकारी आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधायी अधिकार, राज्यपाल को क्या सब विधायी अधिकार है उसे जानते हैं। तो राज्यपाल को जो है वह विधानमंडल का राज्यपाल अभिन्न अंग है, यह आर्टिकल 164 बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावहन करता है, मीन्स जो सत्र होता है वह बुलाता है सेशन, उसका सत्रावसान मीन्स उसको अंत भी करता है तथा विघटन बीच में विघटित भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए कि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। यह भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही
अधिनियम बन पाता है। तो अर्थात राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो भी विधेयक होता है वह राज्यपाल जब तक फाइनल सिग्नेचर नहीं करता तब तक वह कानून नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए कि यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। जी हाँ, एक आंग्ल भारतीय को जो विधानसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति जो है वह दो एंग्लो इंडियन को जो है वह नियुक्त करते थे, उसी तरह यह आर्टिकल 333 में है। इसे आप जरूर याद रखें कि एक आंग्ल भारतीय को जो राज्यपाल नियुक्ति करता है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 333। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जबकि ऐसा जम्मू कश्मीर में कानून बना था कि विधानसभा में जो है वह दो महिलाओं को राज्यपाल जो है वह नामजद करता था, पर अब ये इस चीज़ों को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 माह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 महीने के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब, जिस तरह राष्ट्रपति एक अध्यादेश निकालता है उसी तरह राज्य में जो है वह सत्र अगर नहीं चल रहा हो तो उस टाइम अगर कोई कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो राज्यपाल जो है ऐसा एक अध्यादेश के रूप में वह कानून बना सकता है, लेकिन वह 6 महीने तक ही चलेगा। जरूरी है कि 6 सप्ताह के भीतर ही उसको, सॉरी 6 सप्ताह तक ही चलेगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल उसको पास कर देता है, स्वीकृत कर देता है तो वह कानून बन जाएगा, नहीं तो वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह आर्टिकल 213 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं उसे राज्यपाल दोबारा भेज सकता है विधानमंडल के पास कि इस पर विचार किया जाए, लेकिन अगर दोबारा विधानमंडल फिर से उसे पास करके भेज देता है तो राज्यपाल को जो है उसके लिए सहमति देना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसा लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा। यदि उसे पुनः पारित कर दिया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। यह आर्टिकल 201 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल को जो है इस तरह के विचार आता है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई कानून को रखे तो वह आरक्षित उसे रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करेगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण हो, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। अर्थात किसी भी तरह का जो न्याय तोड़ने वाला स्थिति होगा उस पर वो विचारणीय रख लेता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं करता है। आप जानते हैं राज्यपाल के वित्तीय अधिकार के बारे में। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। कौन कहता है? तो राज्यपाल कहता है वित्त मंत्री को हर साल। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति लेकर ही विधानसभा में धन विधेयक को पास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। जब तक कि राज्यपाल पास नहीं करेगा अनुदान का कोई भी मांग विधानमंडल के सामने नहीं रखा जा सकता है। आप जानते हैं कि अगला पॉइंट कि ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि को खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न दो। अर्थात जब तक राज्यपाल इसके लिए वेरीफाई नहीं कर देता तो ऐसा कोई भी विधेयक जो है वह राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए कि राज्यपाल के जो न्यायिक अधिकार हैं उसके बारे में जानते हैं। तो राज्यपाल के न्यायिक अधिकार क्या सब हैं? तो राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा। यदि किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा, यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जिस पर कानून बनाई हुई है, अगर उस तरह के क्षेत्र में अगर आप वो क्राइम करता है या उसको दंड मिलता है उसको, तो उसके दंड और को जो है कम कर किया जा सकता है या माफ़ किया जा सकता है, यह कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। यह पॉइंट यही बताता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
कि राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु को सिर्फ राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना, न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। कोर्ट मार्शल को भी माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट जानिए कि राज्यपाल के आपात शक्तियाँ क्या है। जैसे राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ मैंने पिछले वीडियो में पूरा कम्प्लीटली पढ़ाया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके जरूर देखें। तो अभी जानते हैं राज्यपाल की आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर आर्टिकल 356 के अंतर्गत यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो राज्य में जो राष्ट्र आपात लगता है उसे वह राष्ट्रपति शासन ही होता है जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। एग्जाम में कई बार आता है यह क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की स्थिति। अब राज्यपाल की स्थिति को जानते हैं। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है। जी हाँ, जितना मैंने पढ़ाया है उससे यही लगता है कि राज्यपाल के पास बहुत पावर है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। परंतु वास्तविकता इससे बहुत अलग है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी याद रखेंगे। अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। जो मेन शक्ति होती है वह मंत्रिपरिषद को ही प्राप्त होती है। मंत्री जिस तरह से सब मिलकर करेंगे उसी तरह से, लेकिन संविधान में इस तरह का दिखाया गया है कि राज्यपाल ही प्रधान होता है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। सिर्फ वह प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर असाधारण ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह जैसा चाहेगा वैसा काम कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल राज्य के अंतर्गत। तो यह चीज़ आप लोगों ने जान लिया है। यह थी कंप्लीट राज्यपाल के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बताऊंगा। अगला टॉपिक होगा हाई कोर्ट का, वो मैं जल्दी डाल दूंगा। इसके साथ ही हम लोगों का धीरे धीरे पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आप हमारे क्विज से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, जहां 500 से भी अधिक स्टूडेंट पर डे क्विज करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। पर डे टॉपिक दिया जाता है और सब लोग पढ़ के आते हैं और फिर भी जो है वहां पे आंसर करते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो है तैयारी की जोश बनी रहती है और वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।